तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप मैसेंजर पे किसी से फ़ोटो भेजते हो, किसी को फ़ोटो लेते हो, तो दोस्तों वो क्या है कि अगर कोई फ़ोटो अगला भेजता है तो आपके गैलरी में सेव नहीं होता है अगर मैसेंजर पे आप बात कर रहे हैं। और आपको अगर किसी ने फ़ोटो भेजा, कोई डॉक्यूमेंट भेजा या फिर कुछ भी भेजा और वो दोस्तों आपके गैलरी में नहीं शो कर रहा है, ना ही सेव हो रहा है, तो दोस्तों क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या, सेटिंग है, वो सब कुछ आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से अपने मैसेंजर को ओपन करके आ जाना है, ठीक है। जैसे ही मैसेंजर ओपन करते हैं तो यहाँ पर चैट के बगल में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अब स्लाइड करना है, स्लाइड करके आना है और यहाँ पे फोटोज एंड मीडिया का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फोटोज एंड मीडिया यहाँ पे मेरा ऑफ है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेव ऑन कैप्चर, यहाँ पे सेव न्यू फोटो डैट यू टेक इन द ऐप टू योर गैलरी। तो दोस्तों आप जो भी नया फोटो या फिर कुछ भी लेते हो इस ऐप में तो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, तो इसको अगर आप ऑन किए रहेंगे तो दोस्तों अगर आपका बंद होगा तो इसको आपको क्या करना है, ऑन कर लेना है। जैसे ये ऑन कर लेते हैं तो अब आपसे जो भी फ़ोटो भेजेगा तो आपके मैसेंजर से डायरेक्ट दोस्तों गूगल में यानी आपके गैलरी में सेव हो जाएगा बिना सेव किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते दोस्तों ने वीडियो में नए टेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।